सीएम योगी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, एसपी बीएसपी गठबंधन को मिलेगी पूर्वांचल में भारी जीत। यूपी में आएंगे उनके खाते में 55 से 60 सीटें। लोकसभा चुनाव भाजपा से अलग हुए राजभर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की 15 सीटें ही आएंगी। सपा बसपा गठबंधन को 55 से 60 सीटें मिलेंगी तथा कांग्रेस को के खाते में 25 सीटें ही आएंगी। भारतीय जनता पार्टी से नाराज भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष सुहेल देव व योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को बलिया के मीरगंज प्राथमिक विद्यालय में अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में एसपी बीएसपी के गठबंधन को भारी जीत मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इस बार किसी भी दल को देश में पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्वांचल में सपा बसपा के गठबंधन को भारी जीत मिलेगी। हमारा साथ न मिलने से भाजपा को पूर्वांचल में कम से कम 30 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। गोरखपुर गाजीपुर और बलिया सीट भाजपा हार रही है। भाजपा से अलग हुए राजभर की प्रदेश में भाजपा को सिर्फ 15 सीटें ही मिलेंगी, सपा बसपा गठबंधन को 55 से 60 सीटें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खाते में 25 सीटें ही आएंगी। इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस बार दिल्ली की कुर्सी पर एक दलित की बेटी बैठेगी। उन्होंने कहा, हम भाजपा को वोट नहीं दिलवाएंगे। मैं एक घोसी की सीट मांग रहा था, लेकिन हमें नहीं दी गई। देश के चुनाव में हम उनके साथ नहीं हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।